शत्रु की आदि शक्ति को खींचने वाले महाबली बाली का जब हनुमान जी से हुआ सामना। जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है निकेत और एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सुग्रीव का भाई अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ ऋषि के पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मर जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वे जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली का हनुमान जी से हुआ जब सामना। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे? हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करता हूँ तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का दसवां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का दसवां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वहाँ ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहाँ से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का दसवां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता? बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो इनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ,
और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करे हनुमान। तो ये था बाली और हनुमान जी के युद्ध के बीच की कहानी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।